तो आज हमारे पास टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, हमने पढ़ा था कि कोई भी जो एसिड है उसकी रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है तो फिर क्या बनता है। मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट्स मतलब CO3 2 नेगेटिव जो आयन होती है, किस किस आयन से मिलके बना है, ये तो Na पॉजिटिव और CO3 -2 कार्बोनेट। ठीक है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर कौन सी आयन आएगी भाई, NaHCO3, तो ये सोडियम आयन हो गई Na पॉजिटिव और इसके साथ क्या हो गया HCO3 नेगेटिव। तो ये जो HCO3 नेगेटिव है ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। अब आपने देखना है कि जब ये रिएक्शन करेंगे तो फिर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। तो देखो मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे कोई भी हो, चाहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये एक जनरल रिएक्शन हो गई। एसिड जब रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ करो, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करो, क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, अब यहाँ से कोई एग्जांपल देखते हैं, हम कोई एसिड कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एसिड कंसीडर कर लिया HCl की रिएक्शन आप करवा रहे हो किसके साथ, मेटल कार्बोनेट लेटेस्ट से Na2CO3 के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा NaCl प्लस में ये दोनों चीज़ें तो सेम रहने वाली है H2O प्लस CO2। अब हमारे पास पॉइंट क्या आता है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे दो सोडियम है, इधर एक सोडियम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किया क्लोरीन 2 हो गए, तो क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो यहाँ पे कितने हैं 2 और 1 ये 3, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, समझ में आती बात। अब सेम टू सेम रिएक्शन आप हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए लिख सकते हो, प्रोडक्ट सेम बनेगा, बस बैलेंसिंग का फर्क रहने वाला है। फॉर एग्जांपल वही HCl ले लिया हमने, HCl की रिएक्शन आप करवा रहे हो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक Na है एक Cl है, ये NaCl हो गया, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, दो हाइड्रोजन हो गए, एक कार्बन ये रहा, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, 1 और 2 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, ओके, उसके बाद इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या रहेगी भाई। देखो, अगर एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, अगर किसी को एसिडिटी है, इसका मतलब उसके स्टमक के अंदर किस चीज़ की अमाउंट बढ़ गई है भाई, एसिड की, तो हम क्या करते हैं, अगर उसको कोई बेस मिल जाए और ऐसा बेस जो कि एडिबल हो, एडिबल मतलब खाने लायक, इसका मतलब ये नहीं कि NaOH दे दोगे आप बेस के तौर पे, हमें ऐसा बेस चाहिए जो कि एडिबल, और हमारे पास अवेलेबल है, क्या अवेलेबल हमारे पास, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम फेमस है बेकिंग सोडा। हम रिकमेंड करेंगे किसी को भी अगर उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो बेकिंग सोडा रिकमेंड करेंगे जो कि NaHCO3 होता है। ठीक है, अब ये जो NaHCO3 है ये एसिड के साथ रिएक्शन करके स्टमक के अंदर क्या अकुमुलेट होता है हमारे पास, HCl। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन हमने लिखी है ये रिएक्शन होगी हमारे स्टमक में, और फिर क्या हो जाएगा, जो एसिड की मात्रा जो बढ़ी थी वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो उसको एसिडिटी से राहत मिल जाएगी। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद इसी रिएक्शन में आता है कि जो गैस रिलीज हो रही है
उसकी प्रेजेंस को आप कैसे टेस्ट करोगे? तो CO2 गैस को अगर आपने टेस्ट करना है तो हम किस में से पास करेंगे इसको? लाइम वाटर से पास कर देंगे। लाइम वाटर से पास करोगे तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। चलो देखते हैं, एक सिंपल सा सेटअप है, बुक के अंदर फिगर दे रखी है, यहाँ पे कोर्क लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें, ये स्टैंड से बांध रखी है, यहाँ पे कोई भी एसिड कंसिडर कर लो आप, कोई भी एसिड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिडर कर लो चाहे NaHCO3। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या है, एक ट्यूब बना दी है और ये यहाँ से यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2, मतलब CO2 इसमें से पास होगी भाई। तो वहन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की सस्पेंशन हो जाता है, दूध या हो जाता है। यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन किस प्रकार से लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस वहन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। ये रिएक्शन होगी भाई, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है, इसमें से जब आप CO2 को पास करवाओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। यही सेम रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी है फर्स्ट यूनिट के अंदर, टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंस था। लाइम वाटर को स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, ध्यान है आपको, स्लैक्ड लाइम। अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड बनता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो वो स्लैक्ड लाइम बनता है। हमने रिएक्शन पढ़ी है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज लाइम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है क्विक लाइम, CaO, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, स्लैक्ड लाइम। लाइम या क्विक लाइम सूखी सफेदी को कहते हैं। इसके अंदर जब आप वाटर को डिजोल्व करोगे तो जो सफेदी बनेगी, जो सफेदी का सॉल्यूशन बनेगा सस्पेंशन, वो क्या कहलाएगा, स्लैक्ड लाइम कहलाएगा। अब इसके अंदर ये पहले से ही खूब वाइटी वाइटी है, मिल्की तो ये ऑलरेडी है, तो ये जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है तो ये क्या कहलाएगा, स्लैक्ड लाइम कहलाएगा। और यहाँ पे जो ये स्लैक्ड लाइम की बजाय हमने जो नाम दिया है लाइम वाटर, या स्लैक्ड लाइम कटाओ यहाँ से, ये जो लाइम वाटर नाम आपने दिया है ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये ट्रांसपेरेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लाइम वाटर की फॉर्म में क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जब इसमें से आप CO2 को पास करवाओगे तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा इसकी वजह से सस्पेंशन क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, मिल्की सस्पेंशन बनेगा। तो अगर कोई भी गैस लाइम वाटर से पास होने पे उस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है तो वो गैस कौन सी होती है, CO2 होती है। तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं इस रिएक्शन की हेल्प से। उसके बाद क्या होता है, अगर आप CO2 को एक्सेस में पास करवाते हो, इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो ये जो मिल्कीनेस हुआ था ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, फिर दोबारा से डिसअपियर हो जाता है। उसका रीजन क्या है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर जो बना है आपका, इसमें से जब आप CO2 को पास करोगे लगातार तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, CaHCO3। जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, तो ये कैसा बनता है, ट्रांसपेरेंट बनता है भाई। ये कैसा बनेगा, ट्रांसपेरेंट बनेगा। ट्रांसपेरेंट बनने की वजह से वो सॉल्यूशन फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस गायब हो जाएगी उसके अंदर से, ठीक है। तो ये थी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, और ये रिएक्शन ऑफ एसिड्स है मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, इसमें सब में बिल्कुल कॉमन सी बात है, रिलीज क्या होगा, CO2 गैस। उसके बाद और कोई कार्बोनेट का अगर अपना एग्जांपल लेना है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ,
एक पॉइंट बना मिलेगा बुक के अंदर CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो लाइमस्टोन जो चूना पत्थर होता है, मार्बल, ठीक है, चाक पाउडर और एग सेल, जो एग के बाहर वाला पोर्शन होता है, इन सभी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो उसमें एक लाइन लिख रखी है कि सारी चीजें एसिड के साथ सेम वे में रिएक्ट करती हैं। सेम वे में रिएक्ट करने का मतलब क्या है, जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं लाइमस्टोन भी ऐसे रिएक्ट करता है, मार्बल भी, चाक पाउडर भी और एग सेल भी, और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगी, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, क्या बनाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस में H2O प्लस में CO2, ठीक है। तो ये आपके पास साल्ट हो गया, ये वाटर हो गया और ये CO2 गैस हो गई, ठीक। बैलेंस करना आपने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गई, समझ में आती बात। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सब का रोल प्ले कर रहा है, चाहे लाइमस्टोन हो, चाहे मार्बल हो, चाहे चाक पाउडर हो या एग सेल हो, सारे के सारे इसी वे में रिएक्ट करेंगे, ठीक। ये रिएक्शन खत्म हो गई है।